ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू, भारत का गौरव। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अपनी मेहनत और कमाल के प्रदर्शन से इसे सच कर दिखाया मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में 49 किलोग्राम वजन वर्ग में मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम भार उठाकर देश के लिए रजत पदक जीता और नया कीर्तिमान भी बना दिया। कल यानी शनिवार को जब मीराबाई इस स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करने उतरी तो देशवासियों की निगाहें उन्हीं पर थीं। बहुत आसान नहीं होगा, कतई आसान नहीं होगा, मुश्किल चुनौती है, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो इन चुनौतियों को पाटते हैं, पार पाते हैं। क्या मीराबाई चानू कर पाएंगे? 115 किलो का ये दूसरा अटेम्प्ट मीराबाई चानू का। भरपूर एफर्ट और लीजिए, शानदार दिल जीता है यहाँ मीराबाई चानू ने। न सिर्फ दिल जीता, भारत के लिए पदक भी जीता। ये है बड़ा क्षण भारत के लिए, क्योंकि एक बार फिर पोडियम पे ओलंपिक गेम्स में एक भारतीय महिला वेटलिफ्टर पदक ग्रहण करती हुई, लेकिन इस बार वो पदक है सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के नाम। देश के लिए नया अध्याय लिखने वाली मीराबाई चानू के लिए इस जीत के मायने बहुत खास हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सालों से मैंने ये इसी के लिए ही मेहनत किए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ। मीराबाई चानू बताती हैं कि यहाँ तक पहुँचने का सफर कई मुश्किलों से भरा रहा। काफी मुश्किल हुई थी कि हम कोरोना की वजह से हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो हमने थोड़ा टाइम ले ली थी ट्रेनिंग के लिए, तो उसी में ही हमने पूरा फोकस किया था कि ये हमारे सामने रही थी ओलंपिक। देश के लिए टोक्यो में पहला पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फोन पर दी गई बधाई को वो सपने के सच होने जैसा मानती हैं। सपना जैसा लग रहा है कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही कॉल करके दिया था, कांग्रेस बोल रही थी, तो वो सबसे मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत सपना जैसा लग रहा है। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा ने बताया कि उन्हें भरोसा था कि इस बार पदक जरूर जीतने में सफल होंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने मीराबाई पर कोई दबाव नहीं बनने दिया। पर्सनली मैं खुद तो थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन मीरा को प्रेशर खत्म करने के लिए टिप्स दे रहा था। पिछले कॉम्पिटिशन कितने अच्छे किए हैं और हम ये कल वाला कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा करेंगे। मणिपुर के इस वेट लिफ्टर के घर में भी जश्न का माहौल है। मीराबाई के भाई महेश चानू ने अपनी बहन की ऐतिहासिक उपलब्धि को गर्व का क्षण बताया कि मेरा बहन ने सिल्वर मेडल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लगे इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे बहुत खुश है सब, इतना मैं उसको मेहनत के जो फल है जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है। भारोत्तोलन में भारत को 21 साल बाद कोई ओलंपिक पदक मिला है। इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में करणम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। मीराबाई चानू की इस जीत को मल्लेश्वरी ने भारत में वेट लिफ्टिंग कल्चर की शुरुआत बताया। बहुत खुशी की बात है, फाइनली 21 साल के इंतजार के बाद अब फाइनली मेडल आया है। इस मेडल को मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। इंडिया में वेट लिफ्टिंग कल्चर बनेगा, इस मेडल देखते हुए जितने भी हमारे युवा वेट लिफ्टर्स है उनको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। एक रास्ता खुला हुआ है कि भी अब तक थोड़ा सा डाउट था स्पोर्ट्स में और मेडल नहीं आ रहा है, तो ये हमारे सारे वेट लिफ्टर्स के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आज देश भर में मीराबाई चानू अपने शानदार प्रदर्शन के कारण स्टार बन गई हैं। इस बड़ी जीत के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। अभाव और मुश्किल परिस्थितियों में मीराबाई का बचपन बीता। अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए वो जंगलों से लकड़ियां अपने कंधों पर उठाकर लाती थीं। एक बार उन्होंने बहुत भारी लकड़ी उठाकर आस पड़ोस के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसी समय उनके मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा था कि वो वेटलिफ्टर बन सकती हैं, लेकिन बचपन के दिनों में मीराबाई तीरंदाज बनना चाहती थीं। उन्हें निशाने लगाने का शौक था और वो उसी में आगे बढ़ना चाहती थीं। आठवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान मशहूर वेटलिफ्टर मणिपुर की कुंजा रानी के बारे में उन्होंने पढ़ा।
कुंजा की असाधारण उपलब्धियों से वो इतना प्रभावित हुई कि उसी दिन ठान लिया कि अब उन्हें वेटलिफ्टर ही बनना है। इसके बाद जब ट्रेनिंग करने की सोची तो राह बेहद मुश्किल थी। मीराबाई ने खुद को बेहतर वेटलिफ्टर बनाने के लिए प्रतिदिन 50 किलोमीटर की दूरी तय की और कड़ा अभ्यास भी किया। तमाम संघर्षों के बाद उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतकर भारत का मान भी बढ़ाया। 2016 के रियो ओलंपिक में मीराबाई पदक की बड़ी दावेदार थीं, लेकिन रियो खेलों में उनको मिला डिड नॉट फिनिश का तमगा। ओलंपिक जैसे मुकाबले में अगर आप दूसरे खिलाड़ियों से पिछड़ जाएं तो एक बात है, लेकिन अगर आप अपना खेल पूरा ही नहीं कर पाएं तो ये किसी भी खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाली घटना हो सकती है। रियो खेलों में मीराबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओलंपिक में मीराबाई सिर्फ दूसरी खिलाड़ी थीं जिनके नाम के आगे लिखा गया था डिड नॉट फिनिश। जो वजन मीराबाई हर दिन प्रैक्टिस में आसानी से उठा लिया करती थीं, उस दिन ओलंपिक में जैसे उनके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे। उस समय भारत में रात थी और सुबह मीडिया के जरिए लोगों ने ये पढ़ा और जाना कि मीराबाई ओलंपिक में असफल रहीं। उस निराशा के कारण मीराबाई चानू डिप्रेशन में चली गईं और नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें हर सप्ताह मनोवैज्ञानिक के सेशन लेने पड़ते थे। एक बार तो उन्होंने खेल को अलविदा कहने का मन भी बना लिया था, पर अपनी माँ के कहने पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपने सपने को सच करने के लिए फिर से तैयारी में जुट गईं और ये दिखा दिया कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है। उन्होंने एक साल बाद जोरदार वापसी की और 2017 के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल की। टोक्यो में तिरंगे का मान बढ़ाने वाली मीराबाई चानू ने इस जीत का श्रेय भारतीय खेल प्राधिकरण साई और सरकार की ओर से चलाई जा रही टॉप्स योजना को भी दिया है। करणम मल्लेश्वरी भी मानती हैं कि मीराबाई की कठिन मेहनत के साथ साथ सरकार के सकारात्मक सहयोग से ही ये पदक मुमकिन हो पाया। रियो में काफी उसका कंपटीशन खराब हो गया, उसके बाद उसने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में उसने बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करती गई एंड बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया अपने आप को एंड कॉन्फिडेंस का साथ किया। इसमें हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड हमारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा भूमिका निभाया। जैसे उसका इंजरी हुआ तो भी उसको बहुत अच्छी फैसिलिटीज करवाया, अमेरिका में भेजा, वहाँ ट्रीटमेंट भी उसने लेती रही एंड प्रैक्टिस भी करती रही। आपको एक रोचक किस्सा बताते हैं। मीराबाई चानू अपने कानों में जो ईयर रिंग्स पहनती हैं उसमें ओलंपिक के 5 छल्ले की डिजाइन है। इसके पीछे की कहानी वो खुद कुछ यूं बयां करती हैं। रियो ओलंपिक में जो फेल हुआ था तो वो बहुत दुखी हो रहे थे, तो फिर उसी की बात मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया था, तब मैं सोचा था, मन में आया था मुझे एक ओलंपिक का रिंग बना के मेरा साथ रखूंगी, तो ऐसा ही मैंने ड्रीम किया था, मैं ओलंपिक का मेडल लूंगी ऐसा करके, तो मैंने ये बना के मेरे साथ ही रखा था। मीराबाई की इस जीत पर उन्हें पूरा देश बधाई दे रहा है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीराबाई चानू को देश का गौरव बताया। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी, आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने भी उन्हें इस महत्वपूर्ण जीत पर बधाई दी। मीराबाई जी को बहुत बहुत मेरा आभार व्यक्त करता हूं और उनकी जो प्रशिक्षक और परिवार की लोग जो उनको बहुत ऊर्जा प्रदान किया, उत्साह प्रदान किया, उन लोगों की बहुत बहुत मेरा आभार व्यक्त करता हूं। मीराबाई चानू की इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं। मीराबाई की इस उपलब्धि पर आकाशवाणी की तरफ से उन्हें ढेरों बधाई। अभी आप सुन रहे थे टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू भारत का गौरव। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है EIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in।